मैं क्या क्या हाल है सबके। मेरे को ना पहले बड़ा ही सही कपल लगता था, मतलब जो जबरदस्त कपल लगता था मेरे को, अक्षय कुमार का और कैटरीना कैफ ने। मतलब इन्होंने बैक टू बैक सिंगिस किंग दी, उसके बाद कौन कौन सी दी इन्होंने, एक नहीं थी वैसे, बहुत सारी थी लेकिन एक दी तो थी। भाई ये दांत की जलन है, इसे बुझाना हो तो लगाओ न्यू रिंग गार्ड। भूल कैसे गया मैं, हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, ये सारी फिल्में देखकर ना भाई सब मजा ही आ जाता था। मेरे को लगता था क्या गजब की जोड़ी बनाई है भगवान ने इन दोनों की। आ रहा है उसके बाद अब जाके सूर्यवंशी में देखने को मिलेगा इन दोनों के साथ में। बॉलीवुड के लॉजिक कितने गजब होते हैं ना, मतलब ये भी इनके राइटर भी भांग भूंग खाकर लिखते हैं स्क्रिप्ट। 20 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास। सूर्यवंशी में सिम्बा भी है और ये बंदा पुलिस वाला बनकर आ गया वापस, क्यों कोई और कैरेक्टर नहीं बचा था क्या उल्लू के पट्टा तुम्हारे पास। मतलब इस वाले बंदे को सिम्बा फिल्म के अंदर सिम्बा पेल चुका है, इस गुंडे को जिसको साला पिछले पार्ट में मार चुका है सिम्बा गुंडा, उसको तुमने अगले में सीधे के सीधे पुलिस ऑफिसर बना दिया। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था। रोहित शेट्टी की फिल्म होती है तो तुम्हें पता है कुछ ना कुछ फटी रहा होता है, कभी बिना उड़ाए तो मजा सा नहीं आता उसको। अब फिल्म के अंदर जहां देखो वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ये दोनों के दोनों पुलिस वाले उड़ चुके हैं, वो ऊपर खड़ा वो उड़ा नहीं भाई, उसका कुछ भी नहीं गया, वो बिल्कुल उसके नीचे बम फटा उसको कुछ नहीं हुआ। इतनी दूरी पर दो पुलिस वाले थे वो उड़ गए। कौन से नशा करते हैं, मतलब ये क्या सोचते हैं किसी को पता नहीं लगेगा। रणवीर सिंह को तो एंट्री लेने की आदत सी हो चुकी है ना, मतलब ऐसे पैदल चल के या भाग कर तो आते नहीं है उनको, मतलब कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही करना है। रणवीर सिंह भाई गड्डी से दरवाजा तोड़ कर आए, उसके बाद अकेले लड़ रहे थे गुंडों के साथ। मतलब ये सोच रहा हूँ कि जब पुलिस की गड्डी थी तो उसके अंदर भाई कोई पुलिस वाला ही हो रहा होगा जो चला रहा होगा, क्योंकि हमारे रणवीर सिंह जब आगे लेटे हुए तो ड्राइवर तो कोई हवलदार वगैरह कोई तो होगा, वो कहीं लड़ रहा गुंडों के साथ। रणवीर सिंह कल ही लड़े जा रहा है, इतनी कितनी ताकत है। जवाब दो, हाँ वो जो कार चला रहा था किस बात की सरकारी तनख्वाह तोड़ रहा है, वो उससे भी तो लड़वाओ। बट मुद्दे की बात ये है कि मेरे को इन दोनों की जोड़ी बड़ी सही लगती है। हाँ फिर भी अक्षर कैटरीना है तो मेरे को सही लगता है, ठीक है इनकी पुराने की वो जो केमिस्ट्री है ना फिल्म में, उनको दीवाना करके ना उससे लड़ने की, वो मजेदार समझ क्यों ना वीडियो बना दे मजा आएगा। लेकिन उससे पहले ये है बड़ी वीडियो, इस चैनल पर या मेरे सेकंड चैनल पर बड़ी वीडियोज आती हैं तो उनको बनाने में 3-4 दिन लगते हैं, एडिट भी करना होता है। उस बीच तुम बोलते हो डेली वीडियो डाले, कहाँ से डालूँ, डेली नहीं डाल सकती भाई वीडियो, इसीलिए मैंने बनाया रोहित ममूला शॉर्ट्स। बनाया तो पहले ही था, अब तो 1200 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें बड़ी मजेदार शॉर्ट्स वीडियो देखने को मिलेंगे मेरी, और वो मैं एक दिन में 2-3 दिन डालता रहता हूँ उधर। मोम की लगती है, मोम की। मोम का क्या मतलब? वैक्स, वैक्स। एक्टिंग देख लो भाई, मैं ये रोहित ममूला का चैनल है, यहाँ ऐसे एक्टिंग नहीं करनी है, मजाक नहीं करना है। कैटरीना जी, सिद्धू जी कहाँ है, वो कपिल कहाँ है, जैसे कि जिस शो में आपको बुला रहा है आपको तो पता ही नहीं कुछ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन है, क्या नहीं आए, कुछ लेना देना ही नहीं है। सुंदर होने गए, फायदा तो उठाना मत, ठीक है ना। पाए थे ए, भूल गई। मैं आई पिछले साल। हाँ नहीं नहीं मैं नहीं। अरे भाजी क्या हो गया? अरे पता नहीं किसके साथ, हमें तो 9 साल में आज तक नहीं याद हम क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ याद रहता है। अभी मुझे याद है, अभी याद आया उसको, जोरदार तालियां। इसको याद आ गया अक्षय कुमार, मैंने जैसे कि तुम टाइटल बात पढ़ी लिया होगा, अक्षय कुमार नहीं देखते भाई साहब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, उन्होंने सबकी बजानी है। कपिल शर्मा के शो में भाई साहब पहला बंदा है अक्षय ऐसे जो कपिल की बजा रहा होता है, कपिल बेचारा टेंशन में आता है, कहता है यार भाई मेरे को बजानी है सबकी, मुझे आसान है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल KPIL मतलब मैं, मुझे बजानी है, ये मनुष्य मेरी बजाई जा रहा। कपिल ही नहीं, कैटरीना कैफ भी, कुछ भी सवाल आ जाए सामने से अक्षय कुमार ने बजानी है। मैं एक ऐसे लहंगा पहना फ्लोरल वाला। हाँ फ्लोरल, यस, व्हाइट एंड पिंक, व्हाइट एंड, अरे भाई लड़कियां भूलती नहीं है कुछ, अरे उसकी ड्रेस अर्चना जी आपकी नहीं, व्हाइट एंड पिंक, हाँ जूता वाला था, हाँ थोड़ा सा उसके पीछे कीचड़ लगा था, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब याद है। लड़कियां भूलती नहीं कुछ, अर्चना जी को एक एक चीज याद है, अरे भाई उसकी ड्रेस से भगवान का सब मेरे को अभी तक याद नहीं, कल ही दोस्तों से मिलकर उन्होंने क्या पाया था क्या नहीं पाया था। हम लॉन्डो के बारे में ऐसे ही होता है शायद, सारी लड़कियों का कैसे होता है क्या, लड़कियों को ये भूलती नहीं क्या तुम लोग ड्रेस वगैरह, एक दो दिन का तो फिर भी समझ में आता है, अरे 9 महीने बाद आए वो दोबारा शो में। इस शक्ति के बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था लड़कियों की। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, हैव सम पॉपकॉर्न, नो थैंक यू। ओह वाओ, ये भी नहीं खाती आप? खाती हूँ लेकिन। आप कौन से वाले पॉपकॉर्न खाती हैं? स्वीट एंड सॉल्टी वाला। हाँ हाँ, वो कैरमेल, वो क्या कैरमेल वो ना मिक्स। वैसे अक्षय तुम भी, हम वहाँ पर सिंगापुर में शूटिंग कर रहे थे तो मेरी पूरी थाली होती थी, मैं डोसा खा रही हूँ, अब मजाक मत उड़ाना उसका, नहीं मेरे को पता ही है जब। तो आई रिमेम्बर अक्षय यूज़ टू से कि भाई इतने गौर से क्या देख रहे नीले कपड़े वाले, शो शो में कुछ नहीं रखा, कैटरीना कैफ तो अक्षय के साथ ही जाए, तू चुपचाप से अपनी साइड वाली पे फोकस कर,
टिकट के पैसे पूरे कर, पटा, कुछ तो जीत कर जाए यहाँ से। नहीं, पूरा ध्यान इसका हुटिंग कर रहा है यार, बताओ हुटिंग क्या मिलेगा तेरे को? चुपचाप से भाई फोकस, कुछ तो जीत के जाए यहाँ से। भाई इसका तो पूरा का पूरा शरीर ही घी में है, लेफ्ट में लड़की, ऊपर की दो टांगे भी तो देखो अभी तो लड़कियों की है, कहीं भी हाथ मारे कोई ना कोई तो पट्टी जाएगी। इसका ध्यान सारा का सारा शो पर है, रेडी में काम करता। रेडी, रेडी पे, रेडी पे। सच्ची? हाँ, मतलब होटल में थोड़ी काम करता था, रेस्टोरेंट छोटा सा, रेडी। क्या बात है यार, बड़े जर्नी पर निकल गई। मैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेस ऑफ, रेडियो पे काम किया यार भाई, और आज देख लो संपत्ति का कुछ पता ही नहीं कितने करोड़। रोहित सर ने मतलब बहुत कुछ किया टू होल्ड ऑन टू दिस फिल्म, दैट रियली आई सॉ। मतलब रोहित सर ने किया, मैंने कुछ नहीं। नहीं, आपने बहुत कुछ किया। मैं आधा प्रोड्यूसर हूँ, मेरी बात ही नहीं। वो एक सेकंड, आप उस फिल्म का प्रोड्यूसर है? उनको पता ही है। कैटरीना कैटरीना कैटरीना, मैं क्या करूं तेरा? अरे परी, क्या कर रही है तू? शो में आ रही है? सिद्धू जी कहाँ है? सिद्धू जी, मूवी की शूटिंग पूरी कर ली है, मूवी रिलीज होगी है, आप प्रोड्यूसर हो, पता ही नहीं कुछ, कहाँ रहते हो परियों, कहाँ रहते हो? मतलब मैं नजर ही नहीं आया तेरे को। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और पैसे देना। थोड़ा ये भी पैसों की बातें करती है, वैसे योला मेड फॉर ईच अदर। अक्षय कुमार भाई नहीं देखते भाई, मैंने देख लिया, हिसाब किताब लगा लिया मैंने, कोई भी हो सामने बजा नहीं है मुझे, कतई राजू के कैरेक्टर से बाहर निकल के राजी नहीं है। कपिल के शो में कपिल को काउंटर करी जा रहे, कपिल कह रहे यार मेरे को मारने दो सर, आप तो मूविया वगैरह कर लोगे, मेरा शो है लोगों को मुझे देखना औरों की बजाते हुए, आप क्या करे जा रहे हो? अक्षय भाजी को पता नहीं क्या दिक्कत है कैटरीना के पैसे से, मतलब अभी भी बोल रही है पैसे पैसे करती रहती है, और पहले भी एक पिक्चर में गाने में बोल रहे थे। कभी एक पैसा नहीं खर्चा कर, क्योंकि शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर मनी। मेरे पास पैसा नहीं होता इसलिए। बे 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 प्यारी, इसके पास पैसा नहीं होता, इतने बड़े बड़े स्टारों के साथ फिल्म कर रही है, 200 300 400 करोड़ों की कमाई, पैसा नहीं है आपके पास? अरे गरीब हमारे जैसे होते हैं मोहतरमा। गोलगप्पे खाने जाते हैं ना भाई साहब, 10 के गोलगप्पे बोलते हैं तो पूरी नजर रहती है कि 10 के 6 ही गोलगप्पे दे, वो 7 माना कर दे क्योंकि 7 में करेगा उसे एक गोलगप्पे के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो बार बार पूछना पड़ता है भैया कितने हो गए, 5 से एक ऊपर मत करना, 10 के बोल। ये होती है शुद्ध गरीब की निशानी, आप की तरह नहीं, हम शुद्ध गरीब है। ये जो ड्रेस पाई हुई है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, इनकी ड्रेस ही पता नहीं इतनी महंगी होती है। अरे इनकी लिपस्टिक के यार 5-5, 6-6 हज़ार की होती है भाई, लिपस्टिक 10-15 रुपए की आती है यार, लाल ही तो करने हैं होंठ, इनो की 5-5, 6-6 हज़ार की होती है, वो भी कम बोल रहा हूँ मैं, ये अपनी पर आए तो ये तो लाख से नीचे की लिपस्टिक ना लगाए। तो रोमांटिक सीन में ज्यादा रीटेक देते हैं? नहीं, रोमांटिक वाला सीन्स में भी हम ज्यादा रीटेक नहीं करते। अच्छा, अक्षय मेरा ट्यून इन बहुत अच्छे हैं, मतलब हमने कितने 7-8 फिल्में कर ली? नहीं 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 नहीं, 6 देखा, मैंने भी बोला था ना हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन। यार थोड़ा सा ना मेरे को वीडियो बनाने से पहले सोच के आना चाहिए था, फिर ऑन कैमरा बेइज्जती होगी। हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, सिंग इज किंग। यार मैंने देखी है सारी, यार ऑलमोस्ट सारी देखी है मैंने। पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। किसी के दो पार्ट तो नहीं निकाले हुए इन्होंने। 30 मार खान 4, क्यों मैं अपने दिमाग पे जोर डाल रहा हूँ, इन्हीं को बता दो। नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन, सिंगर्स किंग 3, वेलकम दे दनादन, 30 मार खान, एक छोटा सा बीच में वो ब्लू आया, तो वही तो कह रहा हूं सवाल छह क्या। टाइम की कमी है थोड़ी सी, वीडियो लंबा चला जाता है इनका, कहीं की तो 2.5 घंटे की फिल्म रहती है, हमारे पास तो 10-12 मिनट की वीडियो होती है, इसीलिए वरना मैं गेस कर लेता। अच्छा, ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब पढ़ते हैं फटाक से अपनी लास्ट वीडियो के कमेंट्स जो कि अपन करते ही हैं, तो इतनी मेहनत से कमेंट करते होते तो मेरा फर्ज बनता है ना तुम्हारे कमेंट्स को पढ़। अर्चिता ठाकुर, ओपा आई पर्पल यू मीन्स आई ट्रस्ट यू एंड लव यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयरफॉर पर्पल इज नॉट जस्ट अ कलर, इट्स अ वे टू एक्सप्रेस माय फीलिंग। ओ यार, ओके 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 ओके, लास्ट वीडियो में मैंने ये कमेंट पढ़ा था एंड मेरे को लगा था कि पर्पल यू का मतलब क्या होता है, तो अच्छा इसका मतलब ये होता है, थैंक यू। नाउ आई गॉट इट। चरणजीत कौर भाई, बहन, आई डोंट नो कौन है चरणजीत, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। जस्ट सॉ योर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, द बेस्ट थिंग इन योर रोस्ट इज दैट लाइक अदर रोस्टर्स यू डोंट यूज चीप वल्गर लैंग्वेज और अब्यूजिव वर्ड्स, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता तो लगा एटलीस्ट, पता नहीं है, मैंने कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट आया हुआ था, कहते थैंक यू सो मच सर, आपकी वीडियोस से मेरा बड़ा मजा आता है, मेरा पूरे परिवार देखता है, बट गालियाँ कम दिया करो। मैं गाली कहाँ देता हूँ, मैं गाली इस पूरी वीडियो के अंदर बता देना कहीं पर गाली तुम्हें एक वर्ड भी सुनने को मिला, नहीं देता मैं, मैंने अपनी गालियाँ बचा के रखी अपने दोस्तों के लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच कशिश, कशिश ने भी आग लगा दी मेरे को तो लग रहा, भाई साहब कशिश भी पूरा काम धाम निपटा कर आई थी, आज तो रोहित की वीडियो के नीचे गेम ही बजा डालूंगी। ओमकार भाई, ग्रेट लेजेंड विच मेक्स एवरीवन लाफ, अरे भाई लेजेंड लेजेंड नहीं है, हम कोशिश कर, जो आता है वही कर रहा हूँ, बकचोदी करता हूँ, तुम्हें पसंद आते हो, लेजेंड वेजेंड अभी नहीं, नहीं वही नहीं,
दोस्त ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप तुम्हें वीडियो मजा आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे शॉर्ट्स चैनल का लिंक है, उस पर काफी टाइम से मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, बट मैं सोचा तुम लोगों को बता देता हूँ, तो उसको सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी तुम्हें डेली के डेली वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज ये लॉन्ग वीडियोस होते हैं, इनको बनाने में 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं, तो तब तक तुम्हें वहाँ डेली के डेली कंटेंट मिल जाएगा, तो फटाक से उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर है। मिलते नहीं, तब तक मुस्कुराते रहो, अपने अपने परिवार का ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।